नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। अवर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन ने बच्चों संग मनाया योग दिवस। अवर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की कानपुर टीम ने के गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में छात्राओं व शिक्षकों के संग योग दिवस पर एनसीसी व स्काउट बच्चों के साथ 300 लोगों ने योग किया। प्रधानाचार्य ममता त्रिवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हमें रोज 30 मिनट व्यायाम जरूर करना चाहिए। स्वस्थ होने से हमारा मानसिक विकास भी होता है। के कॉलेज में समर वेकेशन कैंप भी चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने डांस, काफ्ट, आर्ट व योगा में बच्चे भाग ले रहे हैं। उदया रावत, शिवागी शर्मा, यस्सी जसलीन, साजी, तनु बच्चों को अवर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आदित्य पोद्दार ने सम्मानित भी किया। इसमें प्रमुख रूप से आदित्य पोद्दार, सुरभि द्विवेदी, रेणु द्विवेदी, शैलजा रावत, गीता दीक्षित, उदित रावत, रेखा शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। अब आप बैठे से दंड आसन, पद्म आसन बैठने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने राइट लेग को फोल्ड करके पीछे ले जाएं, फिर अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके पीछे ले जाएं और कुछ इस तरह अपने पंजों पे बैठना है। जी, जो बैठ पाए वो बैठे, जो ना बैठ पाए वो आराम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।